खरगोन शहर काला देवल क्षेत्र मटन मार्केट में बीती रात तेज बारिश के बीच एक दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। घर में करीब 12 लोग थे, समय रहते बाहर नहीं आते तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। मकान मालिक शाकिर कुरैशी ने बताया, उनका मकान मटन मार्केट क्षेत्र में है। बीती रात करीब 3 बजे अनिशा बी की नींद खुली, उन्होंने घर का कुछ हिस्सा टूटता देख सभी को जगाया और सब बाहर भागे। जैसे ही घर से बाहर निकले कुछ ही देर में मकान गिर गया। जफर कुरैशी ने बताया कि घर में करीब 12 लोग रहते हैं। मकान जर्जर होने से पीएम आवास के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन करीब 7 माह से वे राशि का इंतजार कर रहे हैं। कुरैशी परिवार ने बताया, मकान गिरने से गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया है। नगर पालिका उन्हें मुआवजा देने के साथ ही पीएम आवास राशि स्वीकृत करें जिससे घर निर्माण कर सकें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम रात को यहाँ पे सो रहे थे, 11:30 बजे हमारा पूरा परिवार था, 10-12 जने थे, हम बच्चे भी थे मेरे। हम सो गए 3:30 बजे करीब में, पानी बहुत तेज आया तो हमारी अम्मी को ऐसा लगा कि दीवार पे से कुछ पोपड़ा वगैरह गिरा, तो हम पूरा परिवार निकल के यहाँ बाहर आ गए 10-12 जने। तो 5 मिनट के अंदर ही पूरा मकान हमारा, क्या बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे 10-12 जने हम यहाँ पे थे, पूरे 10 ही जन दब जाते मर जाते, पानी वगैरह तेज आ रहा था, बहुत पानी तेज आ रहा था, बिजली भी कड़क रही थी, पानी तो रात को बहुत तेज आया, तेज पानी की वजह से ही हादसा हुआ। कितना मंजिला मकान था? 2 मंजिल था और एक कमरा ऊपर बना हुआ था। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरा घर का सामान ही अंदर है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग ये समझ लो मेरा 2-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अरे आवास योजना में आवेदन दिया था आपने? हाँ, कुटीर भरी हुई है। कितने महीने हो गए? 7-8 महीने हो गएंगे, लेकिन अभी तक के कोई बात वहाँ से नगर पालिका से कोई आया ही नहीं। सर्वे भी हो गया मेरा कुटीर का, तो पेमेंट डल जाता तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। मैं मकान को उतरा लेता और काम चालू हो जाता मेरा मकान का। अब मैं नगर पालिका से निवेदन करता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे दे और मेरी कुटीर जल्दी जल्दी पास हो जाए तो मेरे बच्चों का ना हमारा साथ छुपाने का काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जफर कुरैशी। रात के 3 बजे हादसा हुआ, वो पानी बहुत आ रहा था, हम सब परिवार 10-12 जने सो रहे थे, बच्चे बड़े सब मिला के, और फिर पोपड़ा गिरा तो मैंने तो बच्चों को वो इनके उठाए और इनके भगोरे में इनके मकान गिरने जैसा हो गया। बाहर निकला और उसके 5 मिनट बाद में पानी गिरा, वो मकान गिर गया। कितना मंजिला था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।